पता नहीं बीच में वो हो गया, डिस्कनेक्ट टाइप हो गया। चलो नेवर माइंड। तो कॉस बीटा क्या बन जाएगा बच्चों, रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर। ये क्लियर है क्या? यस सर। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो विच विल बिकम व्हाट, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस अल्फा साइन बीटा। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, ये अलाउड है? नो सर, क्योंकि अल्फा और फ्लक्चुएट बीटा हो का रहा है यार। रेंज 0 to 5 के बीच में। हाँ नहीं, अल्फा और बी, अल्फा प्लस अल्फा बीटा का प्लस रेंज। बीटा का रेंज हाँ तो ये जीरो। नॉट अलाउड है एक्चुअली, ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का रेंज आ रहा है 0 to π, बट इनवर्स के बराबर रखना है। तो ये करना है तो दिस शुड बी इन द रेंज साइन इनवर्स विच इज -π/2 to π/2 ना। ओके तो ये देखो, ये वाला केसेस वैलिड नहीं है बनेंगे। क्योंकि चाहिए -π/2 to π/2, बट है 0 से π। तो ऐसे टाइम पे क्या करते थे, केस। ठीक है, केसेस तो केस वन ये हो गया, केस टू ये हो गया। तो जीरो टू केस पाई वन बाई क्या बन रहा टू है, जीरो टू हाँ पाई बाई टू अल्फा प्लस बीटा इज 0 से π/2 ले लो, और दूसरा केस ले लो अल्फा प्लस बीटा π/2 to π। अब ध्यान से देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा 0 to π/2 है तो इसको इन्वर्ट करना सही है क्या? यस सर। बिल्कुल सही है, क्योंकि लेफ्ट ओवर वैल्यू इज टेक्निकली इन द इंटरवल ऑफ साइन इनवर्स। तो ये सही है, तो इस वाले केस में कोई इश्यू नहीं है। बट ये वाले केस में ध्यान से देखो, डू यू अंडरस्टैंड, इस वाले केस में इन्वर्ट करना रॉन्ग है। तो यस साइन सर, तो थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन कॉम्प्लीमेंट्री एज आ साइन गया। ऑफ। हाँ बोलो, ये समझा? एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, अब इन्वर्ट करना सही है क्योंकि पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यस अल्फा सर। प्लस बीटा को जब π/2 रखता हूँ तो ये π/2 होता है, और जब पाई रखता हूँ तो ये 0 होता है। तो ये 0 to π/2 है, तो दिस कैन बी इन्वर्टेड। तो दिस थिंग इज साइन इनवर्स ऑफ ये। तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा इज कमिंग आउट टू बी पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सिंपल। तो इसके दो डेफिनेशन आ रहे हैं, कौन से दो आंसर आ रहे हैं। एक आ रहा है सिंपल साइन इनवर्स, सॉरी सिंपल साइन इनवर्स प्लस वाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसके बराबर होता है, मैं कंडीशन निकाल लेता हूँ बट समझा, ये और ये इसके बराबर भी हो सकता है। तो दोनों पे कंडीशन कंडीशन बहुत निकल, डिफिकल्ट ट्राई करना निकालना। नहीं बता देता हूँ। देखो तो मैं समझ आ रहा है, पहले वाले केस में, पहले और केस में डिस्टिंग्विश कौन कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज 0 to π/2, और दूसरा बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा सेकंड क्वाड्रेंट। तो तुम्हें यस सर। समझ आ रहा है, इस वाले में कॉस विल बी पॉजिटिव और इस वाले में कॉस विल बी नेगेटिव, है ना? ओके सर। तब तुम्हें समझ रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, है ना? यस सर। तो इसको उधर लिया के स्क्वायर कर दो, तो ये दिख रहा है 1 - x² × 1 - y² इज x² y² ओके, और इसको ओपन कर दो तो 1 - x² + ऐसे बन रहा है। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, देखो x² + y², समझा? यस सर। सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 1 ओके। हाँ ये तो ये कंडीशन है। तो इसके लिए बेसिकली क्या बन रहा है, ये होगा जब x² + y² इज टेक्निकली बिटवीन 0 to 1, और दूसरा वाला इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आएगा कि नहीं बताओ, बोलो। जब कॉस अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव रखोगे तो इसको सॉल्व करके क्या जाएगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट, मतलब x² + y² > 1। यस ठीक है, ऐसा। तो ये आंसर आ रहा है अपना, दो डेफिनेशन आ रही है। तो इसको लिख लो, वैसे कोई इतना काम का नहीं है ये वाला। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज ऑल्सो इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिस प्लस वाई दिस, प्रोवाइडेड एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव एंड x² + y² इज इन द इंटरवल 0 से 1, ऐसा। सर, आपने केस वन में सेकंड स्टेप कैसे किया? सेकेंड स्टेप ये जो राइट लगाया है नहीं, उसके नीचे। उसके नीचे, अरे देखो ना, अल्फा प्लस बीटा 0 से π/2, तो अगर इट्स लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, तो फर्स्ट यस क्वाड्रेंट में सर। कॉस नेगेटिव होता, सॉरी पॉजिटिव होता है, और ये वाला जो है इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं कुछ एक्स और वाई में रिलेशन निकाला। तो अल्फा प्लस बीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस मस्ट बी नेगेटिव,
तो दिस इज वॉज, तो अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है और ये ट्रू है तो ये ट्रू है, तो वो कंडीशंस निकालने के लिए मैंने करा कि ये वाली और ये वाली डेफिनेशन कब कब आएंगी, तो एक्स और वाई में ये कंडीशन आ रही, ठीक है। तो सेकंड वाला कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड वाला बस दिस इज इट, सेकंड वाला कोई काम का नहीं है, फर्स्ट वाला बहुत काम का, थर्ड फोर्थ बहुत काम के, लिख लो इसको। तो नीचे करिए ये वाला काम करनी है, अगले दो काम के, ठीक है। हो गया बच्चों? Yes, sir. चलो तो नेक्स्ट वाला क्या है, एक मैंने खाली साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बताया है, एक कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, वैसे टोटल छह बन सकते हैं, दो प्लस और दो माइनस, मतलब प्लस और माइनस करके साइन कॉस और टेन के, तो अपन को खाली किससे कंसर्न है, अगर याद भी रखना है तो ये वाला याद रखो, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई,
तो ये एज अ सिंगल कॉस इनवर्स करना है, तो देखो इसका भी प्रूफ क्या हो जाएगा। और इसका प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि सबके प्रूफ सेम ही तो थे, हमेशा से वही प्रूफ आते जा रहे। तो कॉस इनवर्स x इज अल्फा एंड कॉस इनवर्स y बीटा। बोलो, पिछले क्वेश्चन में हमें लाइक x और y इंडिविजुअली उन दोनों का रेंज नहीं पता चलेगा, लाइक इंडिविजुअली नहीं, इट हैज टू बी कंबाइंड, कंडीशन कंबाइन होके ही आ रही है, इंडिपेंडेंट नहीं है ना ये, x और y की कंबाइंड कंडीशन आएगी, है ना? यस सर। तो x बन रहा है cos अल्फा, y बन रहा है cos बीटा, ओके? तो x cos अल्फा है, तो sin अल्फा क्या बन जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, और sin बीटा क्या बन जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर, ये बन जाएगा। और मुझे दिस इज अल्फा माइनस बीटा एज अ सिंगल cos निकालना है, तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालूंगा पहले। तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है बच्चों, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ओके? तो cos अल्फा cos बीटा मतलब एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। द क्वेश्चन इज कैन यू इन्वर्ट दिस, अल्फा माइनस बीटा का इंटरवल क्या जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, समझ पा रहे हो, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू हो जाएगा। तो क्या इसको इन्वर्ट कर सकता हूं, इसको इन्वर्ट तभी कर सकता हूं जब अल्फा माइनस बीटा cos इनवर्स की रेंज में हो। क्या अल्फा माइनस बीटा cos इनवर्स की रेंज में है? नहीं, अल्फा माइनस बीटा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है, जबकि मुझे चाहिए जीरो से पाई। तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं बच्चों, केसेस। तो पहला केस क्या है, सबसे सिंपल वाला, कि अल्फा माइनस बीटा मान लो अगर जीरो टू पाई बाई टू होता है। और दूसरा केस क्या है, जो कि गंदा वाला केस, अल्फा माइनस बीटा जब माइनस पाई बाई टू से जीरो है। इस केस में सबको समझ रहा है, इस केस में इन्वर्ट करना कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस केस में बचा हुआ जो भी है वो कॉस इनवर्स की रेंज में है ना, और इस वाले में इशू है। तो कॉस थीटा को और क्या लिख सकते हैं, माइनस थीटा ना, जल्दी बताओ, कॉस थीटा इज आल्सो कॉस ऑफ माइनस थीटा, है ना? तो इसमें तो सीधे इन्वर्ट कर दो, ये तो सीधे था, इसमें पहले माइनस रखो। तो अल्फा माइनस बीटा अगर माइनस पाई बाई टू टू जीरो है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू, विच इज टेक्निकली इन द इंटरवल ऑफ कॉस इनवर्स। तो इससे अल्फा माइनस बीटा क्या बन रहा है, माइनस कॉस इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी। तो इसके बच्चों दो डेफिनेशन आ रहे हैं, कौन से ये आ रहे हैं, देखो, एक हो सकता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर, और एक आ सकता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। और इन दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे बताओ, How do we know which one is which? क्या यूज किया जाए सही रहेगा बताओ, अल्फा माइनस बीटा इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, तो तुम्हें समझ आ रहा है, इसमें उसका यूज कर लो। इस वाले केस में साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, पॉजिटिव, और इस वाले केस में साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, है ना? तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बोले तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा मतलब साइन अल्फा, तो साइन अल्फा ये देखो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, इसको उधर लेके स्क्वायर कर दोगे तो देखो ये दिख रहा है, तो ये बन रहा है बच्चों, बताओ कि दिख गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है देखो, तो बच रहा है वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो पहला वाला सही होगा जब ये वाला इससे बड़ा होगा, समझ गए? y greater than equals to x है, और दूसरा obvious ही बात है पलटी वाला y less than x। तो ये वाला कॉपी करो, तो ये कॉपी कर लो। इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ कि why am I asking you to remember माइनस वाला, क्योंकि यही एक चीज है जिसपे जेई ने भी क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ माइनस वाले क्यों जरूरी है। इसका प्रूफ अगर आपको स्किप करना है ना तो कर दो, नोबडी केयर्स, बिकॉज दिस इज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, भाई 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 किए जा रहे हैं अपन,
अपन बार बार इसी को रिपीट कर रहे हैं। सर अल्फा माइनस बीटा का रेंज कैसे निकाला? सिंपल ना, देखना अल्फा का इंटरवल तो क्या है, जीरो से टू पाई बाय टू। बीटा का भी यही है, तो माइनस बीटा का तुझे समझ आ रहा है ये होगा। बोल। हाँ यस सर। अब दोनों को ऐड कर, समझा समझा, है ना? तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ओके यस सर। हाँ, या फिर ऐसे सोच लेना, अल्फा माइनस बीटा का मैक्सिमम क्या हो सकता है, जब अल्फा मैक्सिमम और बीटा लीस्ट हो, है ना? तो अल्फा मैक्सिमम पाई बाय टू हो रहा है और बीटा लीस्ट जीरो हो रहा है, तो पाई बाय टू माइनस जीरो इज द मैक्सिमम मोस्ट इट कैन बिकम। और इसका लीस्ट के लिए अल्फा लीस्ट और बीटा मैक्स होना चाहिए, तो अल्फा लीस्ट जीरो और बीटा मैक्स पाई बाय टू, तो माइनस पाई बाय टू, है ना? तो माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। तो इसका प्रूफ स्किप करना है तो कंप्लीटली कर सकते हो, मैं तो बोलूंगा खाली फॉर्मूले पे एक बार ऐसे ही नजर डाल लो, दैट इज मोर देन इनफ। फॉर्मूले पे नजर डाल लो, वो काफी है। और माइनस वाले ही काम आएंगे, प्लस वाले हाईली अनलाइकली कि कुछ काम आ जाए, हाईली अनलाइकली कि कोई कुछ काम आ जाए। अभी तक तो मैंने जेई में एक भी बार नहीं देखा है, बट माइनस वाले का देखा है। तो थर्ड वाला भी बता दूं क्या बच्चों? यस सर। चलो तो ये एक बार प्रीवियस फॉर्मूला दिखा सकते हैं, ये वाला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लिख लो, बट मैंने बोला कि ये काम आने के चांसेस बहुत ही कम है, प्लस वाले के चांसेस बहुत कम है, तो फॉर्मूला लिख लो अगर लिखना है तो। यस सर। ये यस सर। ठीक है चलो, और तीसरा वाला क्या है? थर्ड वन इज टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसका भी सिंगल आता है प्रोवाइडेड एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, है ना? तो इसका भी प्रूफ देख लो क्या बन रहा है। लेट टेन अल्फा बी एक्स, सॉरी, लेट टेन इनवर्स एक्स बी अल्फा विच इंप्लाइज एक्स इज टेन अल्फा एंड टेन इनवर्स वाई बी बीटा विच इंप्लाइज वाई इज टेन बीटा। तो तुम्हें ये समझ आ रहा है इसमें अल्फा और बीटा दोनों जीरो टू पाई बाई टू होंगे, क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव अज्यूम करके चल रहे हैं ना। और बिफोर वी स्टार्ट, अपन टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा से स्टार्ट करेंगे ना। टेन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है बच्चों? अल्फा माइनस बीटा अपॉन वन प्लस अल्फा बीटा, सॉरी, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन अल्फा बीटा, ठीक है? तो अब माई क्वेश्चन टू यू, क्या अल्फा माइनस बीटा को टेन इनवर्स ऑफ दिस लिख सकता हूँ? Yes, क्या ये इन्वर्ट करना सही है? अल्फा माइनस बीटा का रेंज माइनस पाई बाय टू, करेक्ट। अल्फा माइनस बीटा का रेंज माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू है, वो टेन इनवर्स का रेंज ही है, टेन इनवर्स का रेंज ही वही होता है, तो इसमें कोई केस की जरूरत ही नहीं है, इसका सिंगल आंसर है ना? तो ये तीसरा फॉर्मूला आ गया, तो जस्ट रिमेम्बर द फॉर्मूला। और एक सेकेंड रुको, मैं इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ, ठीक है? इसका एप्लीकेशन देखो, ये जेई ने दो बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिया है, वो भी पिछले तीन चार साल में ही। इसका एप्लीकेशन ध्यान से देखना, ये रहा। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, इवेल्यूएट। सर इसका प्रूफ जरूरी नहीं है? कोई जरूरी नहीं, नहीं कोई जरूरी नहीं है। R goes from 1 to infinity, tan inverse of, let's say, 1 upon 1 plus R plus R square, okay? तो tan inverse of 1 upon 1 plus R plus R square, इसका value निकालना है, और infinite sequence है। तो आप value डालना चालू कर दोगे तो आपका पोपट हो जाएगा, कि एक बार R को 1 डाला, एक बार R को 2 डाला, समझ रहे हो? And so on till infinity. ये sequence का sum क्या होगा? तो there is nothing that we can do with this thing. ये infinite sequence का sum कौन निकालेगा? मुझे क्या पता है? तो मुझे एक बात बताओ, usually अपने पास अगर infinite कुछ sum आ जाता था, तो usually वो किस चीज में convert होता था? Usually कैसे solve होता था? याद है? सर वो telescopes के हाँ telescopes होना चाहिए, बताओ। Terms cancel हो जाता है। हाँ, है ना? तो इस पे telescopes के sum बहुत अच्छे बनते हैं। बहुत अच्छे टेलीस्कोपिक के संबंध हैं, तो इसमें टेलीस्कोपिक इज द की। तो टेलीस्कोपिक बनाने के लिए किसी को याद है जो तुम्हारा जनरल टर्म है, वो कैसे फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए बताओ? ये ऐसा,
या फिर ऐसा, इन दोनों में से कोई सा भी एक आ गया तो उसको टेलीस्कोपिक बोलते हैं ना. यस सर. जो जनरल टर्म है समथिंग माइनस समथिंग, और वी आर और वी आर प्लस वन ऐसा. तो अभी तो सिंगल टर्म है, जल्दी से ध्यान से देखो टी आर क्या है, टेन इनवर्स ऑफ दिस टर्म. अब मुझे समाओ इसको करना है कुछ समथिंग माइनस समथिंग, समझ पा रहे हो? ऐसा कुछ आर प्लस वन माइनस आर कर लेंगे. हाँ, तो तुम्हें समझ आ रहा है कि अगर ये करना है तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, एक सिंगल टेन इनवर्स को दो टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है. कहां पे दिख रहा है बताओ? एक सिंगल टेन इनवर्स को दो टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना विद अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन, कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है बोलो. यस सर. तो आर प्लस वन माइनस आर हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई कट. बस तो तुम्हारा ये वाला टर्म गिवन है, इस बार राइट साइड गिवन है, और तुम्हें एक्स और वाई जज करना है सो दैट इसको तुम पीछे लिख सको. तो तुम्हें समझ आ रहा है इसको जज करना दुनिया का बहुत आसान काम है इस क्वेश्चन में. डिनोमिनेटर में क्या होता है बच्चों? वन प्लस एक्स वाई. तो तुम्हें समझ आ रहा है वन प्लस, बोलो ये समझा? और न्यूमरेटर में होना चाहिए एक्स माइनस वाई. कितने बच्चों दिख रहा है? एकदम परफेक्ट है ये तो. बोलो क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो. बट टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई इज एज गुड एज टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई. ये सुनो बच्चों, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, तो क्या आर प्लस वन और आर पॉजिटिव है? ऑब्वियसली आर वन से इन्फिनिटी जा रहा है तो पॉजिटिव ही होंगे. बोलो तो कितने बच्चों को समझा? समेशन क्या बचा है? टेन इनवर्स आर प्लस वन माइनस टेन इनवर्स आर, है ना? तो अगर ये समेशन बचा है तो कितने बच्चों को चलेगा? समेशन का आंसर कैसे निकालते हैं? जो वी आर प्लस वन है उसमें अपर लिमिट रखो और जो वी आर है उसमें लोअर लिमिट, है ना? तो एस एन क्या बन जाएगा? इसमें अपर लिमिट रखो तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों? पाई बाय टू. और टेन इनवर्स वन क्या होता है? थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना जरूरी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना जरूरी है इस पे. तो छापो इसको.
चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, और एक ऐसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको तुम आराम से घर पे ट्राई कर सकते हो। इनको टेलीस्कोपिक में ब्रेक करना है, ठीक है? ये बार तो रिपीट कर देना। पहला वाला सोचो, तो ये वाला टर्म अगर टेलीस्कोपिक में ब्रेक करना है तो दिस शुड बी ये वाला अंदर वाला क्वांटिटी, ऐसा x और y ढूंढना है कि x प्लस y x माइनस y न्यूमरेटर और 1 प्लस x y डिनोमिनेटर। तो बहुत इजी है पहला वाला, ट्राई करो, ये वाला ब्रेक हो जाएगा। पहले 1 प्लस x y वाली टर्म से आ जाएगा आपको। हो गया ब्रेक पहला वाला, बोलो। बच्चों अभी तक नहीं ट्राई कर, अच्छा ट्राई नहीं करा, ओके करो करो, सोचो दिस शुड बी एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, तो ट्राई करो। सर इसमें ln लेके कर सकते क्या, मतलब r माइनस log
नहीं 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 लॉग कहाँ से आ गया, टेन इनवर्स के अंदर है ना सारी क्वांटिटी, तो लॉग कैसे लेंगे यार? नहीं, इससे सोच रहा है अगर ये वन प्लस एक्स इंटू वाई तो एक्स और वाई जज कर सकता है नहीं, क्योंकि जो डोमेन है वो तो मतलब एक्सपोनेंट है ना। तो क्या हुआ, टेन इनवर्स के अंदर तो कुछ भी आ सकता है ना, तो अंदर कुछ भी क्वांटिटी हो, बस अपन तो ब्रेक करना है। तो इसको देख के बता, वन प्लस वॉट इंटू वॉट लिखू इसको, एंड दे हैव टू बी टेलीस्कोपिक टर्म्स ऑफ टू रेज टू आर माइनस वन, बस है ना। वो ट्राई किया उससे नहीं होता, क्यों नहीं? न्यूमरेटर को क्या हो जाएगा, ये ट्रू है क्या, दिस माइनस दिस ये आता है क्या? ऑब्वियसली 2 raise to r और 2 raise to r minus 1 का subtraction क्या होगा? एक काम कर, 2 raise to r minus 1 common निकाल, तो fit तो बैठ रहा है, क्या हुआ? Yes, sir, वो mistake मिल गया। भाई fit बैठ रहा है, भाई मैं सोचो इसमें इतना क्यों सोच रहे हो, सिंपल है, 1 plus xy और ऊपर x minus y तो दिख रहा है, एंड ऑफकोर्स तुम्हें ये भी पता है कि दे टेलीस्कोपिक टर्म्स, तो टेलीस्कोपिक में एक r है तो दूसरा r minus 1 या r plus 1 ही होगा, तो उसके हिसाब से जज कर सकते हो। yes, अब इसको डायरेक्टली क्या लिखोगे, r goes from 1 to infinity tan inverse of 2 raise to r minus tan inverse of 2 raise to r minus 1, है ना? तो ये क्या बन गया, टेलीस्कोपिक है कि नहीं बताओ, और टेलीस्कोपिक है तो इनफाइनाइट वाला वी आर प्लस 1 और छोटा वाला वी आर में रखते हैं, तो एस एन क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, और यहाँ पे रखोगे आर को 1, तो टेन इनवर्स ऑफ 1 मतलब पाई बाय 4, है ना? सिंपल, यस सो। सेकंड वाला सोचो, सेकंड वाला भी थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा सोचना, जरा सा टाइम लगाओ। देखो सेकंड में क्या करोगे, मैं दो मिनट में आता हूँ, ट्राई करो। बोलो क्या करोगे, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करो, डिनोमिनेटर मस्ट है 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1, हाँ 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1, वेरी गुड, नीचे होना चाहिए 1 प्लस एक्स वाई आर माइनस 1 कन्वर्ट, हाँ करेक्ट, बेसिकली क्या बन गया है वो, नीचे होना चाहिए 1 प्लस एक्स वाई, और तुम्हें दिख गया आपकी एक्स और वाई क्या क्या है बेसिकली इसमें, बोलो है ना? यस सो, और ये बन गया r प्लस 1 और r माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, tan inverse of r प्लस 1 माइनस tan inverse of r माइनस 1, तो tan inverse of r प्लस 1 माइनस tan inverse of r माइनस 1, है ना? तो ये टेलीस्कोपिक है क्या, माय क्वेश्चन टू यू,
इज दिस टेलीस्कोपिक? नो सर. नो. क्या मिसिंग है? टेलीस्कोपिक में वी आर और वी आर प्लस वन होना चाहिए. बट तुम्हें समझ आ रहा है जो मिसिंग है उसको क्या कर दो? सर आपने ऊपर अपर लिमिट टू क्यों लिया है? क्योंकि मैंने क्वेश्चन में भी टू दिया था. अच्छा ये सॉरी ये अरे वो तो गलती से अभी ठीक है. यस सर. तो कितने बच्चों समझा? जो मिसिंग है उसको एड सब्ट्रैक्ट कर दो. तो ये बेसिकली क्या बन गया? दो टेलीस्कोपिक समझा. तो ये क्या बन रहा है? इसमें इनफाइनाइट डालूंगा तो पाई बाय टू, और इसमें टू डालूंगा तो टेन इनवर्स टू, है ना. और दूसरा वाला क्या बन जाएगा? इसमें इनफाइनाइट डालूंगा तो पाई बाय टू, और इसमें टू डालूंगा तो टेन इनवर्स वन इज पाई बाय फोर. तो क्या बन रहा है ओवरऑल? पाई बाय फोर माइनस टेन इनवर्स. ओके. नहीं यार ये प्लस ही तो होगा यार. बात समझे मेरी? माइनस क्यों होगा? ये प्लस ही तो होगा. मैंने गलत लिखा था ना. प्लस होगा भाई. तो मैंने टेन इनवर्स आर एड सब्ट्रैक्ट किया ना, तो बीच में तो प्लस ही रहेगा ना. वो गलती कर रहा हूँ, वही तो मैं सोचूं. तो ये बन रहा है थ्री पाई बाय फोर माइनस टेन इनवर्स टू. ये आंसर है. ठीक है. तो ये बन गया. इनफैक्ट एक काम करो, सिंस काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर प्लीज स्टार्ट लिमिट्स, तो मेरा पढ़ा के तो हो गया है, तो क्वेश्चन तुम आराम से करके ला सकते हो क्या नेक्स्ट लेक्चर? क्योंकि मेरे को जो बेसिक आइडिया देना था वो आइडिया तो मैंने दे दिया है. मैं लिमिट चालू कर दूं क्या? यस सर. है ना, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे कि सर लिमिट्स पढ़ा दीजिए, थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए, सो देट हमें बोर्ड्स के सॉरी 11th के एग्जाम में हेल्प मिल जाए. तो आई थिंक मेरे को जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया है, और ये जो क्वेश्चन है तुम घर पे ट्राई कर सकते हो. ठीक है. तो मैं लिमिट स्टार्ट कर ही देता हूँ. मेरे को भी लग रहा है कि एक लेक्चर हो जाएगा, दो लेक्चर में तो आपको कुछ कंफर्ट हो जाएगा. चलेगा? यस सर. चलो तो बच्चे कर लेना, बस क्वेश्चन ही बाकी है और कुछ नहीं. इतना छोटा ही टॉपिक है ये. ओके. तो ऊपर ऊपर से मैंने सब कुछ बता ही दिया आपको, अब आप किसी चीज में अटकेंगे नहीं. तो लेट मी स्टार्ट विद लिमिट्स. तो लिमिट्स ऑफिशियल इंट्रोड्यूस कर ही देता हूँ, अच्छा रहेगा इसी टाइम पे. तो लिमिट्स क्या होता है बच्चों? बेसिक आइडिया तो आपको है, बट मैं एनीवे स्टार्टिंग से एकदम स्क्रैच से ही बताता हूँ. ओके. एंड यू कैन कॉपी दिस अलोंग विथ मी. बहुत सिंपल सा है बच्चों, बहुत सिंपल सा है स्टार्टिंग का. तो कंसिडर अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स, है ना, एंड अ सर्टेन रियल नंबर. तो मैं एकदम लेमेन वाली मेथड बता रहा हूँ, लेमेन वाली डेफिनेशन बता रहा हूँ. एक्चुअल डेफिनेशन तो थोड़ी अलग है. द एक्चुअल डेफिनेशन यू विल गेट टू सी इन फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. वो अलग डेफिनेशन है, वो समझ भी नहीं आएगी अभी तो फिलहाल. तो अपन बेसिकली ये समझ रहे, कंसिडर एफ एक्स अ फंक्शन एंड अ रियल नंबर ए. ओके. इफ एक्स अप्रोचेस ए, मतलब अप्रोचेस मतलब एक्स इज इन द विसिनिटी ऑफ ए. ठीक है, एक्स ए के पास पहुंचता जा रहा है. देन द वैल्यू दैट एफ एक्स अप्रोचेस, the value that fx approaches is called limit of f of x at x equals to a and denoted by, uska notation kya hota hai bachcho, limit x tending to a f of x or limit x tending to a aise. ye bhi likh dete hain. values kyu likha? ek hi value hoga na, मैं बता रहा हूँ ना. हाँ हाँ एक्चुअली ओके यस. ठीक है, तो ये हुआ द बेसिक मोस्ट डेफिनेशन, मतलब दिस इज बेसिक मोस्ट एक्सप्लेनेशन यू कैन गिव, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ भी आ जाए. बट एक्चुअल डेफिनेशन थोड़ा और टेक्निकल है, इतना आसान नहीं है. तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं? कंसिडर फंक्शन एफ एक्स एंड रियल नंबर ए. इफ एक्स अप्रोचेज ए, देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स देन द वैल्यू दैट एफ एक्स अप्रोचेज इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू. तो सबसे पहले ये बात समझ लेना. सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? व्हेन वी से एक्स टेंड्स टू ए, दैट इंप्लाइज एक्स इज ऑलवेज सॉरी एक्स इज गेटिंग क्लोज टू ए. कितना पास? इनफाइनाइटिसिमली क्लोज टू ए बार आए.
बट रिमेंबर नेवर इक्वल टू ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग भूल जाओगे मुझे पता है, बट फिर भी मैं बताऊंगा इसको दो दो तीन तीन बार बोलना पड़ेगा। जब भी आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए बोलते हो तो इसका मतलब एक्स क्या है, ए के पास, जितना पास आप लेके जा सकते हो ले जाओ, बट कभी भी एक्स को क्या नहीं रखना है, इक्वल टू ए नहीं होता है वो, ये बात समझोगे। लिमिट का मतलब ही होता है कि इट इज नेवर इक्वल टू ए, इट इज अप्रोचिंग ए। तो अगर मैं बोलता हूँ एक्स टेंड्स टू वन, तो पॉइंट नाइन, पॉइंट नाइन नाइन, पॉइंट नाइन 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 नाइन, समझ रहे हो, जाता जा रहा है और पास और पास और पास और पास और पास, बट एक्स इक्वल टू वन कभी नहीं होगा। एक्स हैज, एक्स इज नेवर टेक द वैल्यू इक्वल टू वन, चलेगा क्या? ये लिमिट का सबसे बेसिक फंडा है, चलेगा? ठीक है, दैट इज वी डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग एट एक्स इक्वल टू ए, बात समझे? बराबर ए पे क्या हो रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना है, ये कितने बच्चों को समझ आई मेरी बात, मुझे एब्सोल्यूट ए पे क्या हो रहा है उसमें कोई लेना देना नहीं है। As long as limit is concerned, we don't care what is happening at A. We are always looking in the vicinity of A. ठीक है? तो चलो एक दो ऐसे diagram बना देता हूँ. You can write this along with me. बहुत simple सा है. ठीक है? In fact, ये भी लिख देता हूँ. In fact, A might not even be in domain. ठीक है? तो जैसे ऐसा एक दो diagram बना के बताता हूँ आपको, थोड़ा सा और clear हो. मान लो ये कोई फंक्शन है ऐसा, इनफैक्ट ये भी क्यों, ये तो तुम्हें एक पॉइंट दिया हुआ है ए, है ना? तो जैसे जैसे एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, तो ये जैसे ए पे मान लो एक हाइट है बी, तो तुम्हें समझ रहा है एज एक्स इज अप्रोचिंग ए, तो वाई कोऑर्डिनेट किसको अप्रोच कर रहा है, हाइट इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और f of x is called the y coordinate, तो y coordinate किसको अप्रोच कर रहा है, b, b, तो अपन ये बोलेंगे, चलेगा? डायग्राम से दिख रहा है कि जैसे जैसे x a को आता जा रहा है वैसे वैसे y coordinate b को आता जा रहा है, ठीक है ना? बोलो, सिमिलरली एक और डायग्राम बनाते हैं, ये देखो सर, लेकिन इसमें लिमिट कहाँ हो रहा है, लेकिन इसमें तो वैल्यू है y का। हाँ अच्छा, मैं एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि इवेंचुअली जिसको अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोच किसको कर रहा है बस मुझे बता, ए को, नहीं नहीं नहीं, एक्स तो ए को अप्रोच कर रहा है, बट वाई कोऑर्डिनेट किसको अप्रोच कर रहा है, बी को। तो जिस वैल्यू को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है उस वैल्यू को कहा जाता है लिमिट, बात समझे? यस सर। मतलब इसमें अप्रोच जैसे जैसे एक्स ए को आता जा रहा है, एफ ऑफ एक्स बी को अप्रोच करता जा रहा है, तो ये लिमिट की वैल्यू जिसको अप्रोच कर रहा है ना उस वैल्यू को ही बोलते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है? तो लिमिट इज बी, ऐसा इसमें बताओ एक्स अगर ए की तरफ अप्रोच कर रहा है तो लिमिट बी रहेगा। हाँ इसमें समझ आ रहा है, एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट कहां अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, बी तक, बट इसमें ए पे क्या हो रहा है, ए पे तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बात समझे? नॉट डिफाइंड, नहीं फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ओके सो, है ना? मतलब ए इज नॉट इन डोमेन, कोई बात नहीं, बस विसिनिटी में हाइट कहां तक जाती हुई दिख रही है, बी तक, हेंस लिमिट इज बी। इनफैक्ट एक और डायग्राम देखो, चलो ये बताओ, अब बोलो लिमिट बी रहेगा बट वैल्यू सी है। हाँ तो आई एम ओनली कंसर्न्ड विद लिमिट, बात समझे? तो भले ही उस पे हाइट कुछ भी हो, ए पे हाइट क्या है अपेरेंटली, ए पे हाइट क्या है, सी, बट मुझे लिमिट से अगर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिट, देन डू आई रियली केयर अबाउट एफ ऑफ ए, आई ओनली केयर कि विसिनिटी में क्या हो रहा है। तो मैं समझ रहा है जैसे जैसे ए की तरफ आता जा रहा हूं हाइट कहां पे आती जा रही है, जल्दी बताओ, बी, तो लिमिट इज बी, चलेगा? और लास्ट एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं सारे एग्जाम्पल कैसे ले रहा था बच्चों, बट वॉट अबाउट वो this? दो मतलब मल्टीपल वैल्यूज, दो वैल्यूज को अप्रोच कर रहा है। हाँ when it approaches from तो ये वाला जो फोर्थ वाला केस है, यस फोर्थ वाला केस देखो, फोर्थ केस में कितने बच्चों को समझ आ रहा है, जो फोर्थ केस है
सर आपने अभी तक एक बात अच्छे से डिक्लेयर ही नहीं करी थी, जब भी तुम एक पॉइंट पे अप्रोच करते हो तुम अप्रोच किस डायरेक्शन से कर सकते हो बोलो? नेगेटिव टू पॉजिटिव। वी ऑलवेज अप्रोच अ पॉइंट, अप्रोच अ पॉइंट फ्रॉम टू डायरेक्शंस ना, बोलो कौन सी, एक लेफ्ट साइड से नेगेटिव और एक राइट साइड से, है ना? तो लेफ्ट साइड को क्या बोला जाता है बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट, चलेगा? और जिसका नोटेशन क्या होता है ऐसे, इसको बोलते हैं LHL, और उसको अपन ये नोटिफाई करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, चलेगा? और दूसरी साइड क्या होती है बच्चों? राइट साइड। तो अपन दूसरी साइड से अप्रोच करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जिसका अपन शॉर्ट फॉर्म में RHL बोलेंगे, और उसको नोटेशन समझ पा रहे हो क्या देंगे? a माइनस का मतलब a से जस्ट छोटा, और a प्लस मतलब a से जस्ट बड़ा। अब मुझे केस फोर में ध्यान से देखो, इन केस फोर LHL क्या है अपेरेंटली? अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो मुझे हाइट कहां तक आती हुई दिख रही है, और मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो हाइट सी, ये समझा? तो ऐसा वाला केस भी तो बताना चाहिए था, मैंने अभी तक तो एक भी डिस्कस नहीं किया, है ना? तो अगर ऐसा हो रहा है केस फोर, अगर केस फोर है तो अपन क्या बोलते हैं? LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL ना, तो अपन क्या बोलते हैं? देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज द स्टेटमेंट। अगर LHL और RHL बराबर नहीं है तो लिमिट क्या होता है एक्चुअली में? कमेंट ऑन लिमिट क्या है? इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि भाई अलग पॉइंट से अप्रोच कर रहे हो तो अलग दिख रहा है, इस पॉइंट से अप्रोच कर रहे हो तो कुछ और दिख रहा है, तो लिमिट हमें कोई कमेंट नहीं, और बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट। ऑल्सो इफ LHL इक्वल्स टू RHL, ऑब्वियसली फाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया तो भी वो इनफाइनाइट बोलोगे या डज नॉट एग्जिस्ट ही बोलोगे? दो वैल्यू नहीं हो सकते क्या? मतलब जैसे LHL का अलग वैल्यू और RHL से अलग वैल्यू, तो उनको सेपरेटली ट्रीट करेगा, तो LHL अप्रोचेस बी, ये बोलना करेक्ट है क्या? बिल्कुल सही है। RHL अप्रोचेस सी, ये सही है क्या? हाँ। बट अगर तुझसे कोई ये पूछता है कि ए पे लिमिट क्या है, तो लिमिट अप्रोचेस बोथ, ये नहीं नहीं नहीं, ए पे लिमिट क्या है? नहीं नहीं सुन तो सही, ए पे लिमिट क्या है इसमें? ए पे लिमिट क्या है केस फोर में? बी एंड सी। तो तू क्या बोलेगा? नहीं, बी एंड सी कैसे हो सकता है? दो आंसर कैसे आ सकते हैं बता? दो आंसर कैसे आ सकते हैं? दो आंसर का कोई पॉइंट भी नहीं निकल रहा पहली बात से, और इनफैक्ट वही तो बोल रहा हूं, अगर दो आंसर आ रहे हैं तो उसको तू क्या बोलता है? इसको अपन बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज प्रैक्टिकली कॉल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। इस वाले में लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स, सिंस वी आर गेटिंग मल्टीपल वैल्यूज, द करेक्ट आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसको अपन और आगे एक्सप्लोर करेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट क्यों, क्योंकि लिमिट का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो है रिलेटेड टू कंटिन्यूटी। तो अगर लिमिट ही गड़बड़ आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं है तो वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलना सही है वो। और लिमिट दो वैल्यूज नहीं, लिमिट एक ही वैल्यू लेते हैं अपन, लिमिट शुड कम आउट टू बी अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो अगर LHL RHL जैसा कि एग्जाम्पल 1, 2, 3 में दिख रहा है, LHL RHL बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट, बट अगर बराबर नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है सर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी सडन जंप्स रहता है तब सर, तो तब तो लिमिट एक्सेस नहीं कर रही होगी ना। इनफैक्ट अपन सडन जंप को ही लिमिट से डिस्कस करेंगे। अपन ने LHL निकाला और RHL निकाला, दोनों बराबर नहीं आए तो देयर मस्ट हैव बीन अ जंप। ठीक है, तो इसको छापो जल्दी से क्विकली। तो 1, 2, 3 तीनों वाले एग्जाम्पल में लिमिट वॉज एग्जिस्टिंग,
बट फोर्थ वाले में इट वॉज नॉट एग्जिस्टिंग क्योंकि LHL RHL अलग अलग हो गए. तो हमेशा जब भी लिमिट की बात करेंगे बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट LHL एंड RHL. वी शुड ऑब्जर्व फ्रॉम बोथ साइड्स. सर फर्स्ट और थर्ड वाले एग्जांपल्स में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट और थर्ड वाले एग्जांपल में डिफरेंस क्या है? थर्ड वाले में फंक्शन ए पे कुछ और ही है. इसमें टेक्निकली मैं तुझसे पूछूं कि एफ ऑफ ए क्या है फर्स्ट वाले में, तो इसमें एफ ऑफ ए भी वैसे बी ही है. यस सर, समझ रहे हो. बट उस वाले में एफ ऑफ ए क्या है? सी. बट लिमिट दोनों में एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि LHL और RHL अपेरेंटली सेम दिख रहे हैं ना. नहीं लेकिन सो वो सी को टेंड नहीं कर रहा है क्या एफ ऑफ एक्स? क्योंकि नहीं, अब तू एक काम कर, ए के लेफ्ट साइड में जस्ट आ, इसी ग्राफ के ए के जस्ट राइट में आ. तो ग्राफ यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे, तो ये हाइट किसको अप्रोच करती हुई दिखती है? बी को. बस तो फिर तो सी कहाँ से आ गया? अच्छा हाँ समझे. जैसे जैसे तू ए की तरफ बढ़ता जा रहा है हाइट तेरे को दिख रही है कि बी की तरफ, बी की तरफ, बी की तरफ, बी की तरफ. एग्जैक्ट ए पे कुछ लेना देना नहीं है लिमिट का. सर लेकिन वो बी के इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू को भी तो अप्रोच कर रहा है, तो मतलब हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि वो बी माइनस 0.00009. हाँ, तो लिमिट का मतलब क्या हुआ पहले तू भूल गया. ये इसको अप्रोच करता हुआ दिख रहा है. जैसे मान ली ये हाइट है 2, तो अगर एक्स ए की तरफ आता जा रहा है तो तेरा वाई कोऑर्डिनेट किसकी तरफ आता जा रहा है? 1.99. तो किसको अप्रोच करता हुआ दिख रहा है तेरे को? 2 को, क्योंकि दोनों तरफ से 2. हाँ, तो लिमिट इक्वल टू 2 ही, समझ रहा है? वो जो जिसको अप्रोच करता हुआ नंबर जो दिख रहा है ना, उस नंबर को बोलते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a. अच्छा, मतलब जिसको अप्रोच कर रहा है वो एक, हाँ, वो फाइनल वैल्यू. हाँ, तो लिमिट जिसको अप्रोच करती हुई दिख रही है वो नंबर, लिमिट का फाइनल आउटपुट इज 2, ऐसा समझ रहा है? यस सर. लिमिट इवैल्यूएट करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो तेरा नंबर आएगा प्रॉपर. पापा यस सर.
सर जेई के सिलेबस में टेलर सीरीज है क्या? नहीं सिलेबस में नहीं है बट उसका एप्लीकेशन है। अच्छा हाँ चलो तो आगे बढ़े। एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो पहले तो, ये काइंड ऑफ जो मैंने लिखा है वो भी अभी भी सारे केसेस मैंने डिस्कस नहीं करे। आई हैव नॉट डिस्कस्ड ऑल द पॉसिबल केसेस येट। देखो एक और वाला केस देखते हैं, फिफ्थ केस विच इज काइंड ऑफ ए स्पेशल केस। चलो अगर डायग्राम ऐसा है तो, और यही तुम्हारा ए है। अब बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, तो इसका एलएचएल नहीं ले पाएंगे ना मतलब। तो फिर तुम्हारे हिसाब से कमेंट क्या है? तो मतलब अगर ट्रेंड देखेंगे तो प्लस इनफिनिटी जा रहा है। प्लस इनफिनिटी नहीं, यही बी हाइट लिखी है ना मैंने, बट तुम्हारे हिसाब से जो कि मैंने डेफिनेशन दिया उसके हिसाब से इसकी लिमिट क्या होगी? इट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि दोनों तरफ से नहीं है। क्यों नहीं? एलएचएल एग्जिस्ट नहीं करता, एलएचएल है ही नहीं, डोमेन नहीं है ना एलएचएल। हाँ तो यही एक कंफ्यूजन है मालूम, और ये सब लोग ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं। तो अभी बहुत ध्यान से सुनना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स ओनली equals to b, मतलब here since a minus not in domain, बात समझ रहे हो? limitation किसके कारण है? limitation है domain के कारण कि a minus पे तो function है ही नहीं, है ना? तो मुझे बताओ जब a minus पे function ही नहीं है तो तुम इसको approach ही कहाँ से करोगे? you can only approach it from which side? only right hand side में ना, तो since अपने पास approach करने के लिए एक ही direction है, since a minus not in domain, then limit extending to a is equals to limit extending to a plus only. बात समझ रहे हो? मतलब जिस साइड से अप्रोच कर रहा है उस साइड से ही लिमिट देख लो, ऑब्जर्व कर लो, then limit exists and is equals to RHL alone. बात समझे? तो ये kind of ये वाला point है जो लोग अच्छे से explain नहीं कर सकते, मतलब अच्छे से ढंग से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। मतलब क्या है इसका कि अगर एक साइड लिमिट में, मतलब इफ वन ऑफ द साइड्स इज नॉट इन डोमेन तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट मत बोल के आ जाना, इट एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू द अदर साइड। तो जैसे सबसे दुनिया का फेमस एग्जाम्पल लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो रूट एक्स, हाँ तुम्हें समझ आ रहा है? दिस इज बाय डिफॉल्ट इक्वल्स टू दिस, यस और नो? सिंस जीरो माइनस नॉट इन डोमेन तो जीरो माइनस एलएचएल हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, सिंस ए माइनस इज नॉट इन डोमेन स्किप एलएचएल, एलएचएल कर ही नहीं सकते, कैसे निकालूं एलएचएल है ही नहीं जब, बात समझे? तो जीरो माइनस डोमेन में नहीं है तो लिमिट एक्चुअली जीरो प्लस के बराबर ही होगा, तो रूट ओवर जीरो प्लस किसको अप्रोच कर रहा होगा? जीरो, तो एग्जिस्ट एन इज जीरो, बात समझे? बोलो पहलो का आंसर क्या था पता है? डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि जीरो माइनस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अरे तो क्या हुआ, अब डेफिनेशन क्या बोल रहा है? अगर एक साइड पे डिफाइंड नहीं है तो दूसरे साइड से जो आएगा वही आंसर, ठीक है ना? एग्जिस्ट एन इट इज जीरो, ठीक है? तो ये पॉइंट भी लिख लो। लिमिट्स का वेटेज क्या रहता है जेई में? अच्छा खासा लिमिट है यार, और लिमिट एक्चुअली वो वाला टॉपिक है, लिमिट पे ही तो पूरा कैलकुलस बेस्ड है। लिमिट से ही अपन पहले कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सीखेंगे फिर आगे बढ़ते जाएंगे, तो लिमिट इज प्रीरिक्विजिट फॉर कैलकुलस।
चलो अब देखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 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 एक्स प्लस थ्री. तीन एग्जांपल लेता हूं, तीनों एग्जांपल के बेसिस पर थोड़ा सा स्टडी करते हैं. लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू बॉक्स ऑफ एक्स बाय एक्स. ओके एंड तीसरा एग्जांपल क्या है बच्चों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू. तो इनका एग्जांपल से स्टडी करते हैं फिर अपन देखते हैं. अब पहले ध्यान से देखो 2x प्लस 3, तुम्हें डायग्राम भी पता है स्ट्रेट लाइन है ना. तो इस स्ट्रेट लाइन में कोई भी एनोमली या फिर कोई भी एनी एम्बिग्विटी कैन अराइज बताओ. 2 की विसिनिटी में कोई भी इशू है क्या, एनी एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम दिख रहा है क्या, बोलो. नहीं सर. तो हम लोग डायरेक्ट, तो सबसे पहले क्या ट्राई करोगे, सबसे पहले तो क्या करोगे, फर्स्ट लिटरली पुट एक्स इक्वल्स टू ए है ना, अज्यूमिंग नथिंग रॉन्ग विथ फंक्शन, नथिंग क्या क्या वर्ड यूज किया था मैंने, नथिंग रॉन्ग विथ फंक्शन नहीं, क्या बोला था मैं, चलो ये लिख देता हूं, अज्यूमिंग नथिंग रॉन्ग with function at x equals to a. So first literally put x equals to a and if finite then that is limit. Matlab if nothing, kuch bhi gadbad nahi dikh raha seedhe seedhe, then that is the limit. Then that is the limit. Okay. So jaisa ki yahan pe dekh raha hu 2x plus 3 mein kabhi bhi koi bhi issue aa sakta hai kya, koi bhi ambiguity kuch bhi aayega kya, bilkul bhi nahi. तो उसमें x को 2 रखा तो 2 into 2 plus 3 7, समझा मेरी बात. बट नेक्स्ट एग्जांपल देखना, मुझे बताओ फंक्शन, देखो फंक्शन अब मैंने क्या दिया हुआ, बॉक्स x by x, क्या 2 की विसिनिटी में इसमें कुछ भी एम्बिग्विटी होती है क्या? यस सर. यस सर कंटिन्यूअस. मैं समझ रहा हूं हर इंटीजर पे ये पोपट करता है, किसी को याद आ रहा है, एट एवरी इंटीजर इट क्रिएट्स एन इशू. एवरी इंटीजर तो आंसर 1/2 नहीं होगा. नहीं नहीं नहीं, दिस इन दिस केस वी शुड, जहां पे भी एम्बिग्यूटी अराइज हो रही है तो वी शुड स्प्लिट इनटू एलएचएल एंड आरएचएल. एम्बिग्यूटी हो रही है ना, फंक्शन जंप कर रहा है ना, तो मैं समझ रहा है, बताओ. तो पहले अपन निकालते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस बॉक्स ऑफ x बाय 2. सर तो अगर ये डिसकंटीन्यूअस है तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि लिमिट. हां तो भी उसके साथ कुछ और भी तो ऐसा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो सकता है ना कि ओवरऑल वो सेम बन जाए बात. तो वही तो अपन सीख रहे हैं, वही तो लिमिट है, बात समझ रहे हो भी सकता है और ऐसा कुछ बन जाए संयोग की नहीं हुआ. नहीं आप ये वाला मेथड क्यों यूज कर रहे हो, अरे वी शुड स्प्लिट इनटू एलएचएल. नहीं नहीं नहीं, ये वाला मेथड इस क्वेश्चन के लिए नहीं, इन जनरल आइडिया दे रहा हूँ मैं कि अगर बॉक्स बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये सब थोड़े से फिशी होते हैं ना इंटीजर पे, अगर मैं एक्सटेंडिंग टू हाफ होता तो डू आई नीड टू स्प्लिट दिस इनटू एलएचएल आरएचएल, डू आई नीड टू स्प्लिट दिस इनटू एलएचएल आरएचएल, नो, क्योंकि हाफ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बॉक्स कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंटीजर पे. तो इंटीजर ही लिमिट दी हुई है, तो आप एक बार इसको एलएचएल आरएचएल में स्प्लिट करके चेक कर लो, है ना. तो एक बार एलएचएल बहुत ध्यान से देखना, कितने बच्चों को समझ आ रहा है, अगर एक्स 2 से छोटा है तो बॉक्स एक्स पहले ही क्या हो चुका होगा, 1. बॉक्स एक्स हैज बिकम एब्सोल्यूट 1, यस और नो. तो बेसिकली आंसर क्या बन रहा है, 1/2 की तरफ अप्रोच कर रहा है कि नहीं, बताओ. बट आरएचएल क्या होगा जल्दी बताओ, अगर x 2 से बड़ा है तो बॉक्स x पहले ही क्या हो जाएगा, बोलो चलेगा क्या, बोलो. देख लो एक बार, कुछ नहीं समझे तो पूछ लो, आई थिंक दिस इज फाइन. तो ये वाला आपने क्या किया इसमें, किसको, वो 2 का बॉक्स 2 तो 1 हो जाएगा ना, मतलब बॉक्स 2 1 नहीं, मतलब अगर 2 को अप्रोच कर रहा है. अच्छा हां, तो दो साइड से अप्रोच कर सकता है ना, 2 से छोटा है तो बॉक्स 1 हो जाता है, 2 से बड़ा है तो बॉक्स 2 हो जाएगा. तो वही तो मैंने किया है ना. यस सर. तो अब ये ध्यान से देखो, इस वाले में प्रॉब्लम क्या हो रही है, x को 2 रख दूं डायरेक्टली, सर डिवाइड बाय 0 हो जाएगा. यस, वी गेट 0/0, समझ रहे हो मेरी बात. यस सर. तो जो 0/0 है वो क्या बन रहा है, एक तरीके से एक अनडिफाइंड और इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट वैल्यू टाइप बन रहा है ना वैल्यू, बताओ. यस सर, एल हॉस्पिटल को अपन बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म. एल हॉस्पिटल अभी नहीं, अभी पहले समझो तो सही.
ये जैसे ही मैंने x को 2 रखा तो डू कैन आई मेक अ कमेंट कि क्या हो रहा है? एब्सोल्युटली नॉट, कोई कमेंट नहीं अभी. 0/0 मतलब मुझे क्या पता क्या होता है ये, है ना. तो थिंग इज, तो अगर ऐसे केसेस में जब कुछ एब्सर्ड बन गया है, अनडिफाइंड टाइप बन गया है, इनडिटरमिनेट टाइप बन गया है, देन अपन क्या करेंगे, कुछ दिमाग दौड़ाएंगे टू एक्चुअली गेट द आंसर. तो मेरी बात अच्छे से समझना, मैं तो अभी इसको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, बट पहले इसको समझो. क्या ये लिख सकता हूं? यस सर. यस सर. अब मुझे एक बात बताओ, व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू, तो क्या मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ? यस सर, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट इक्वल टू 2. तो इज इट एक्स इक्वल टू 2 हो सकता है क्या? नो सर. क्यों नहीं सर? क्योंकि लिमिट में हम लोग वी डोंट केयर अबाउट एक्स इक्वल टू ए. करेक्ट. When we say x is approaching to, that means x has not become 2, it is close to 2. So irrespective of how close, ये भले कितना भी छोटा नंबर हो, ये जीरो तो नहीं है ना, जल्दी बताओ. और डिनोमिनेटर भी कितने बच्चों को समझ रहे हैं, डिनोमिनेटर भी एग्जैक्ट सेम वैल्यू है ना. तो ये दोनों कितने भी छोटे नंबर हो, इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा होगा, बोलो. सर हम लोग ऐसे लिमिट्स का ग्राफ प्लॉट करके भी ना, मतलब अभी ग्राफ में मत जा, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल ये बताओ. तुम्हें समझ आ रहा एक्चुअली हो क्या रहा था? जब मैंने एक्स को डायरेक्टली 2 रखने की कोशिश करी तो मुझे मिला न्यूमरेटर भी 0 को भाग रहा है और डिनोमिनेटर भी किसको भाग रहा है, 0 को. बट दैट डज नॉट मीन कि उनका रेशियो कॉन्स्टेंट ना हो रहा हो या फिर उनका रेशियो फाइनाइट ना हो रहा हो. तुम खुद सोच के बताओ, 0.1 × 4/0.1 रेशियो 4 है, 0.00001 × 4/0.0000001. तुम्हें समझ आ रहा है कि दोनों बहुत छोटे नंबर हो चुके हैं, बट रेशियो अभी भी क्या है, बोलो. यस सेम. तो ऊपर वाले तरीके से दोनों जीरो की तरफ दिख रहे हैं, बट रेशियो तो कांस्टेंट आ रहा है ना, 4 के आसपास फाइनाइट आ रहा है कि नहीं, बताओ. तो अ वैल्यू कैन कम आउट टू बी एनीथिंग, जो वो आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, वही अपन को सीखना है. दैट इज व्हाट लिमिट इज ऑल अबाउट. बात समझे, बोलो. तो इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं. एज एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 कैंसिल करा तो हमें दिखा कि ये वैल्यू एक्चुअली 4 को अप्रोच कर रही थी. बात समझे. तो लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू 4. अब यहाँ पे 2 प्लस करो चाहे 2 माइनस करो, वो 2 + 2 = 4 ही बन रहा है ना. तो इस एग्जाम्पल को भी लिख लो और इसके बाद में इस पर आगे एक्सपेंड करता हूँ. जल्दी छापो, वैसे मेरे साथ साथ लिख सकते हो, ये बहुत आसान सी चीज है. जस्ट ऐसे में अभी बेसिक आइडियाज दे रहा हूं आपको. छापा? Yes, sir, done. तो अब अपन पढ़ते हैं कि लिमिट कब कैसे निकालना है, क्या निकालना है, क्या चीज क्या होती है, क्या प्रॉब्लम होती है.
तो एक तो समझा कि डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हो सकता है अपन को LHL RHL करना पड़े, हो सकता है डायरेक्टली आंसर आता है, बट तुम्हें समझ रहा ना एग्जांपल बन तो कभी नहीं होने वाला, कोई तुम्हें क्यों ऐसे बना के देगा जिसमें लिटरली वैल्यू डालने पे आंसर आ जाए। तो तुम्हें कौन से आएंगे, या तो एग्जाम्पल टू या फिर एग्जाम्पल थ्री, ठीक है। तो अपन को पहले इस पे समझना है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब अभी हमने देखा ना कि अपेरेंटली इट लुक्ड लाइक 0/0, सो एंड आंसर वाज नो कमेंट। मुझे नहीं पता किसको अप्रोच कर रहा है, तो इससे सब किस चीज को अप्रोच कर रहा है जिसमें आंसर श्योर नहीं है, उसको अपन बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो बेसिकली देर आर 7 फॉर्म्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कौन से होते हैं बच्चों? इफ यू गेट समथिंग लाइक 0/0, इसमें एक बात पहले ध्यान से रख लो, एवरी वैल्यू इज अप्रोचिंग, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। मेरी बात पहले ही सुन लेना, जो मैं यहाँ लिख रखता हूँ ना 0/0, डू आई मीन इट इज एब्सोल्यूट 0/0? एब्सोल्यूट 0/0 तो एनी वे कुछ नहीं होता, वो अनडिफाइंड ही होता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब कि अपेरेंटली एक्स को 2 रख रहा हूं तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, बट डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है। बात क्लियर है? तो अगर 0/0 बन रहा है तो तुम्हें पता है कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या अप्रोच कर रही होगी, क्या हो रहा होगा। सर तो हम लोग ये नहीं ना बोल सकते कि 0/0 = 4, मतलब क्योंकि दोनों का लिमिट अप्रोचिंग पर ये रेशियो हो सकता है ना, कुछ भी अप्रोच कर रहा हूँ मुझे क्या पता है ना। तो ऐसे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म समझाना कि 0/0 आई डोंट नो व्हाट द वैल्यू इज। अगर 0/1 हो रहा होता तो बोल देते ना 0 हो रहा है, बात समझो है ना। बट 0/0 हो रहा है तो क्या कमेंट करोगे बताओ, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आने वाली है, बात समझे। तो इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, चलेगा। नेक्स्ट बताओ, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, कोई कमेंट कर सकते हो? नो सर, है ना, क्योंकि जैसे 2 × 10⁻¹⁰ ये और नीचे है 10⁻², ये तो दोनों अपेरेंटली इनफाइनाइट दिख रहे हैं, बट हो सकता है ना इनका रेशियो कुछ फाइनाइट आ जाए, यू डोंट नो, मुझे नहीं पता। यहाँ पे हो सकता है 3 हो, कुछ भी आ सकता है ना, बोलो। तो अगर ऐसे तुमने एक्स को कुछ रखा और दिख रहा है कि इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी, तो दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता क्या आने वाला है। हेंस द वर्ड इनडिटर्मिनेट, आई कैन नॉट डिटरमाइन येट, चलेगा। अब मुझे एक बात बताना, 0 × ∞ ये क्या होगा? मतलब कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, तुम इसको ये मत बोल देना कि सर हमें बचपन में सिखाया गया 0 × ∞ = 0। अरे भाई, पहली बात क्या ये 0 है, ये अप्रोचिंग 0 है, माइनस इनफिनिट हो जाएगा। हाँ, मतलब इट्स लाइक वेरी स्मॉल नंबर इनटू अ वेरी लार्ज नंबर, तो मुझे क्या पता क्या आने वाला है। वेरी स्मॉल इनटू वेरी लार्ज, दोनों लिमिट है, दोनों एब्सोल्यूट नहीं है, बात समझे। यस सर, तो ये भी इनडिटर्मिनेट है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बात समझ पा रहे हो। आई डोंट नो क्या आने वाला है, बट yes. अगर मैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टू बोल दूं तो तुम्हें पता है सर वो तो इन्फाइनाइट ही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट है क्या, बोलो? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज नॉट इनडिटर्मिनेट, बोल तो रहा हूँ इन्फाइनाइट, दैट इज द कमेंट। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी ये इनडिटर्मिनेट है क्या? सर ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, बात समझे। समथिंग विच कैन नॉट बी कमेंटेड ऑन, कि मुझे क्या पता क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब है इंडिटर्मिनेट, ठीक है। नेक्स्ट 1 raised to infinity, did I say it is absolute one? Sir, infinity indeterminate नहीं है, infinity is infinite, the limit is infinite, तो यही कमेंट है ना कि वो भागता जा रहा ऊपर। इनडिटर्मिनेट नहीं है, इनडिटर्मिनेट का मतलब आई डू नॉट नो क्या आ सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। यस सर, बट इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो कमेंट तो कर रहा हूँ ना कि अरे वो तो इन्फाइनिटी पहुंचेगा, तो मुझे आइडिया तो लग गया ना कि वो इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा होगा, तो इनडिटर्मिनेट कैसे हुआ, है ना। 1 raised to infinity, बात समझ पा रहे हो, नो कमेंट, क्यों? तो मुझे बताओ, जैसे 0.99 है बट इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो ये 0 तब होने लगेगा ना, जल्दी बताओ। यस सर, बट 1.01 है, इसकी पावर बढ़ाने लगोगे तो धीमे धीमे बढ़ के वो इन्फिनिटी भी हो सकता है ना। जैसे 1 से बड़े नंबर की पावर इंक्रीज करते हो तो नंबर इंक्रीज होता है, 1 से छोटे नंबर की पावर इंक्रीज करते हो तो नंबर छोटा होता है, तो इट कैन स्टिल बी एनीथिंग ना, जल्दी बताओ। यस सर, जो सेकंड एग्जांपल में था वैसे ही टाइप का केस है शायद। थर्ड एग्जांपल नहीं, अभी कोई सा भी, नो एग्जांपल फॉर द टाइमिंग 1 raised to infinite पे नो कमेंट, बस ये है ना। अगर मैं बोलता प्रॉपर 1 raised to tending to infinity, इसका क्या आंसर होता?
इसका वन रहेगा, इसका वन रहेगा क्योंकि प्रॉपर वन रेज टू वेरी लार्ज नंबर, ये बोलना चाह रहे हो, बात समझे? व्हाट इज प्रॉपर वन रेज टू प्रॉपर इंफिनिटी सर? वन अनडिफाइंड है. व्हाट इज प्रॉपर इंफिनिटी? व्हाट इज प्रॉपर इंफिनिटी सर? लेकिन वन टू द पावर एनी नंबर, एनी नंबर नहीं है ना, वो बात तो समझ. एनी नंबर नहीं, इनफाइनाइट है. तो जैसे इनफाइनाइट लिखने जा रहे हो तो वो तो गलत ही हो गया. यू कैन नॉट राइट इन्फिनिटी, बात समझ गए? तो ये दो सब लिमिट्स हैं. यस सर. उसके बाद सिक्स क्या होता है? जीरो रेस टू जीरो. हमें सिखाया गया है जीरो रेस टू वॉट एवर इज वन, बट हमें ये भी सिखाया गया है कि वॉट एवर रेस टू जीरो इज, सॉरी, जीरो रेस टू वॉट एवर इज जीरो बट वॉट एवर रेस टू जीरो इज वन. कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है सर? जीरो रेस टू जीरो जीरो बाई जीरो ही होता है ना? जीरो बाई जीरो नहीं होता. नहीं, कैसे? ये कहां से लेके आ गया सर? 7 raise to 0, 7 by 7 is equal to 1. अरे बट ये भी तो जीरो है. जब बेस ही जीरो आ जाए तो एक्सपोनेंट एप्लीकेबल थोड़ी होते हैं, एक्सपोनेंट के लॉज. ओके सर. और चल 0 by 0 पे रहा तो भी तो इंडिटरमिनेट है, जल्दी बता. यस सर. है ना? इंफिनिटी रेस टू जीरो. कितने बच्चों दिख रहा है फिर से कॉन्ट्राडिक्शन? Something raised to zero सिखाया गया है one, but infinity raised to something infinite ही होना चाहिए. तो contradiction दिख रहा है? तो ये basic साथ indeterminate होंगे. Infinity raised to infinity raised to infinity indeterminate है क्या? ये indeterminate है. proper infinity रहेगा तो रहेगा. नहीं हाँ, but अभी तो अभी मैं everywhere I mean approaching. तो अगर ये infinity raised to infinity है तो इसका answer infinite ही आ रहा होगा. तो ये indeterminate नहीं है. The comment is limit is infinite. ओके सर. तो इनका अलग से, इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का नहीं बोल सकते? मतलब एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, इमेजिनरी नंबर्स, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं ना करते. तो इनका अलग से एक एक्सिस इंडिटरमिनेट है ना. अरे ये लिमिट है बाबा. तो ये वेरी स्मॉल नंबर अपॉन वेरी स्मॉल नंबर, मुझे नहीं पता क्या आने वाला है. हेंस द वर्ड इंडिटरमिनेट. कैन यू मेक इट आउट कि क्या आने वाला है? मुझे क्या पता. अभी क्या बोल दूं मैं, जब तक कुछ निकालूंगा नहीं तब तक नहीं बोल सकता. Hence the word indeterminate, ठीक है? Yes sir. बस तो इसको छापो, ये सात indeterminate form होते हैं. अपन पूरे limits में यही पढ़ेंगे कि how to get rid of indeterminate forms. बात समझे? तो पहले चलो अभी थोड़ा सा इस पे limit exists does not exist पे थोड़े से question दे रहा हूँ. इसको आप copy कर लो. बहुत basic concept वाले question दे रहा हूँ आपको. सोचो, बहुत basic question दे रहा हूँ. Sir, infinity upon infinity is indeterminate, very large upon very large number, मुझे क्या पता क्या आने वाला है. हाँ तो आपने वो example में नहीं लिखा. ये second वाला क्या है? नहीं नहीं infinity to the power infinity. Infinity power infinity वो तो infinite ही होगा ना. अच्छा हाँ. तो ये indeterminate कहाँ हो गया? I just determined infinite होता जा रहा है. चलो तो बेसिक्स ऑफ लिमिट क्लियर करते हैं पहले. यहाँ पे बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और वो कर्ली ब्रेसेस मतलब फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो पहले. इनको ऐसे ही सोचते हैं इनके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं. ट्राई करो ये, मैं दो मिनट में आता हूँ.
पहले वाले का आंसर क्या है? जस्ट बेसिक लॉजिक क्या बोलता है आपका? जीरो। हाँ, तो फर्स्ट वाला समझा कि x अप्रोचिंग जीरो, तो ऐसे तो ये इंडिटरमिनेट बन रहा है, बट दिस इज वेरी लॉजिकल। एक्स स्क्वायर बेसिकली ऐसा लिख दूं तो ये रेशियो हमेशा बन हो रहा होगा, तो बच क्या रहा होगा? खाली एक सिंगल x, तो वो तो जीरो को टेंड कर रहा है ना, तो मतलब न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा जीरो हो रहा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर वाला जीरो, तो ओवरऑल इट इज टेंडिंग टू जीरो, विच इज फाइन, ठीक है ना। सेकेंड वाला, सेकेंड वाले में दुनिया में कोई इशू ही नहीं है, तो सीधे ही रख दो, है ना, सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो 8/3 राइट। नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट वाले में सोच समझ के आंसर बताओ। 6/3 रहेगा, वो x स्क्वायर्ड है। हाँ सॉरी, हाँ 6/3 मतलब 2 आंसर आ रहा है ये। यस, नेक्स्ट वाला लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से माइनस वन आ रहा है, राइट हैंड साइड से। हाँ, तो मैं समझा कि मॉडुलस है, और जीरो पे मॉडुलस उंगली करता है ना, तो इसलिए बेस्ट रहेगा यू कन्वर्ट दिस इनटू एलएचएल आरएचएल। तो अगर एक्स जीरो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव है, तो मॉडुलस कैसा ओपन होगा बोलो? तो बेसिकली वन बन रहा है कि नहीं बताओ? बट अगर एक्स अप्रोचिंग जीरो माइनस है, तो मॉड कैसा ओपन होगा? वेरी गुड, ये mod x is x would as minus x, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है? माइनस। तो आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सोचो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by x, सोच समझ के करो। वो x निकल ही नहीं रहा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by x, सोचो सोचो, फ्रैक्शनल पार्ट का क्या करते हैं? वी डू नॉट लाइक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एज इट इज, सो उसे एक्स माइनस सर, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट ना, क्योंकि ये डज नॉट मतलब कंटीन्यूअस नहीं है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ। नहीं, वो वैल्यू निकालो, ऐसे कमेंट मत करो, वो वैल्यू निकालो। मैं तुम्हें ऐसे एग्जांपल दूंगा जब तुम्हें खुद को समझ आएगा कि वो अपन कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे बट इवेंचुअली कुछ और आ गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x माइनस बॉक्स x ले लेंगे। हाँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब ही क्या होता है कि चुपचाप बॉक्स x लिख लो ऐसे करके, है ना। सो अब मुझे बताओ बॉक्स x बाय x। हाँ, तो अगर x जीरो प्लस है तो बॉक्स x पहले ही क्या हो चुका होगा? प्रॉपर जीरो ना, बॉक्स x तो प्रॉपर जीरो हो चुका होगा, तो बेसिकली आंसर इज x बाय x मतलब वन। बट अगर x जीरो माइनस है तो बॉक्स x क्या हो जाएगा बच्चों? x अगर जस्ट नेगेटिव है तो बॉक्स x क्या बन जाएगा? माइनस वन। माइनस वन, तो ये बन रहा है x प्लस वन बाय x, तो कितने बच्चों को दिख रहा है ये? वन अपॉन जीरो, मतलब ये माइनस इंफिनिटी बन रहा है ना सर। ये तो इंडिटर्मिनेट हो जाएगा। इंडिटर्मिनेट नहीं हुआ, ये इनफाइनाइट हो गया। न्यूमरेटर बन रहा है वन बट डिनोमिनेटर बन रहा है। हाँ, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है ना। नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी होता है ना। इंडिटरमिनेट कैसे हुआ? कमेंट आ रहा है ना, इनफाइनाइट, बस यही तो आंसर है। नहीं, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है। अरे हाँ, नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट ना। अच्छा, यस। इंडिटरमिनेट क्यों हुआ? हाँ, समझ इंडिटरमिनेट का मतलब नो कमेंट, कुछ पता ही नहीं है क्या आने वाला है, अभी आ रहा है। अच्छा, ना दोनों अलग होता है। यस, अच्छा ये माइनस से आ रहा है तो हम लोग माइनस इंफिनिटी बोल सकते हैं। हाँ, डिनोमिनेटर नेगेटिव है ना, वन अपॉन जस्ट नेगेटिव जीरो ऐसा। यस सर। सर फिफ्थ का भी वन हो जाएगा क्योंकि बॉक्स एक्स बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ट्राई करो। बॉक्स एक्स भी जीरो होगा एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी जीरो। नहीं, ये है एक, ये और दूसरा क्या है? एलएचएल क्या बन जाएगा? बॉक्स एक्स बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स।
तो RHL की वैल्यू क्या आ रही है? अच्छा नहीं सर, 1 नहीं है। RHL क्या आ रहा है जल्दी बताओ? If x is 0 plus box x is absolute 0, बात समझ रहे हो? Yes sir। तो बेसिकली बन रहा है 0 by tending to 0, proper 0 by tending to 0, बोलो प्रॉपर जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो क्या होगा? जीरो, जीरो, क्योंकि प्रॉपर जीरो अपॉन वेरी स्मॉल नंबर वो जीरो ही होगा। ये वाले में अगर एक्स जीरो माइनस है तो बॉक्स क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस वन। तो दिस इज बेसिकली ये बन रहा है माइनस वन बाय एक्स प्लस वन, क्या बन रहा है? So again, limit doesn't matter. हाँ, समझा? Yes, sir. Next करो try. सेक्शन क्वेश्चन दिखा सकते हो? यस सर। सिक्स वाला एक्सटेंडिंग टू वन, तो पहले ऐसे सोचो इज देयर एनी पॉइंट इन वन प्लस? सर RHL डोमेन में ही नहीं है। वेरी गुड, बात समझे? यस सर। तो वन माइनस इज दी ओनली आंसर, तो इट्स लाइक साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस, तो साइन इनवर्स वन मतलब पाई बाई टू। सिंस वन प्लस डोमेन में नहीं है तो वन प्लस कंसिडर नहीं करना है, बात समझ गए? नेक्स्ट वाला देखो, ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ। नेक्स्ट भी बनोगे उसमें आप, नेक्स्ट वाले में ट्राई करो। नेक्स्ट वाला सर पाई बाय टू पक्का? हाँ, क्योंकि sec x तो देख लेते हैं। क्या आंसर है? सरप्राइज? देखो क्यों। हेलो यस, देखो क्यों।
वियर्ड लग रहा होगा बट पहले ध्यान से देखना, तुम्हें सेक का ग्राफ याद करो, ये होता है। तो अगर जेक्स एक्स जीरो की विसिनिटी में, तो सेक हमेशा वन प्लस होता है कि नहीं बताओ? यस सर। अभी एक्स जीरो नहीं हुआ है तो सेक भी वन नहीं हुआ है, सेक वन से बड़ा होता है, तो तुम्हें समझ आ रहा है ना? अगर एक्स की विसिनिटी में, जीरो की विसिनिटी में सेक हमेशा वन प्लस ही है, तो वन प्लस तो साइन इनवर्स के डोमेन के बाहर ही है, बताओ, बोलो क्या साइन इनवर्स डिफाइंड है? जीरो की, अगर एक्स को जीरो डालता हूँ, जीरो की विसिनिटी में रखता हूँ, तो साइन इनवर्स डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं ना, साइन इनवर्स के अंदर वाली वैल्यू वन से बड़ी हो रही है ना, जल्दी बताओ, दोनों साइड से। इनफैक्ट अगर एक्स को जीरो प्लस डालता हूँ तो भी वन से बड़ा है, जीरो माइनस डालता हूँ तो भी वन से बड़ा है। तो अगर एल एच एल आर एच एल दोनों ही डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने का कोई पॉइंट है? लिमिट में, लिमिट का कोई पॉइंट है? बेसिकली ग्राफ ये है, ऐसा मान लो सर, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ sec x और डोमेन ऑफ sin इनवर्स ऑफ x बस मैच नहीं कर रहे हैं। नहीं, मतलब वो बस पाई बाई टू पे होगा ना? नहीं, जब एग्जैक्टली एक्स जीरो हो तभी पॉसिबल है साइन इनवर्स लिखना। बट अगर एक्स जीरो के आजू बाजू में है तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अंदर की वैल्यू वन से बड़ी हो रही है। तो एल एच एल आर एच एल दोनों ही डोमेन में नहीं है, तो बेसिकली फंक्शन क्या बन रहा है? एक ही पॉइंट पे उसकी कुछ वैल्यू, उसके आर एच एस एल एच एस में कुछ है नहीं। अगर आर एच एस एल एच एस में कुछ है नहीं तो फिर लिमिट निकालू किसकी? लिमिट तो अपन अप्रोच कराते हैं ना। वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या नहीं समझा बता तो सही। जब अंदर वाली क्वांटिटी वन से बड़ी हो रही है तो साइन इनवर्स डिफाइंड कैसे होगा? यस सर। तो कोई पॉइंट ही नहीं है फिर। अंदर वाली क्वांटिटी वन होती तो भी समझ आता, वन से बड़ी है, और वन से छोटी होती तो भी समझ आता। सर लेकिन sec 0 में तो sec 0 तो 1 होता है ना, तो मतलब साइन इनवर्स 0 नहीं है ना, बात तो वही है। अच्छा sec 0 नहीं है ना, sec ऑफ 0 प्लस या 0 माइनस है? तो इसमें pi by 2 रहेगा क्योंकि box of 1 plus 1 रहेगा। हाँ, इसका आंसर एग्जिस्ट, समझ आया? ये प्रॉपर है कि माना ये तो 1 प्लस है, बट 1 प्लस का बॉक्स पहले ही क्या हो गया होगा? प्रॉपर 1। तो sec इनवर्स प्रॉपर, sin इनवर्स प्रॉपर 1 क्या होता है? वो तो प्रॉपर पाई बाई टू होता है, जल्दी बोलो, समझा? यस सर। हाँ, तो इसलिए मैंने दोनों साथ में दिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट वाला, नाइन्थ वाला, बॉक्स एक्स प्लस रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जीरो हो जाएगा, देखते हैं। चलो वैसे बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट है तो व्हाट डू वी प्रेफर? एक्स माइनस बॉक्स एक्स। और पहले तो वो क्या बोलते हैं, एल एच एल आर एच एल ना,
तो अब बताओ क्या बन रहा है, अब तो रटा गया होगा। इस केस में बॉक्स एक्स पहले क्या हो जाएगा, जीरो, तो बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस रूट एक्स, बोले तो जीरो, है ना। इसमें क्या रहा है, बॉक्स एक्स पहले क्या हो जाएगा माइनस वन, तो ये क्या बन रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस माइनस वन प्लस रूट ओवर एक्स प्लस वन, तो एक्स को जीरो डालो, वन माइनस वन जीरो, तो एक्सिस्ट एन इज जीरो, चलेगा बोलो। ठीक है, बच्चों आगे बढ़े। यस सर। चलो तो नेक्स्ट क्या है, अभी तो बेसिक प्रॉपर्टीज और थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस कराने हैं, बट इसमें थोड़ा थोड़ा मैं मतलब स्टार्ट करता हूँ समझाना और चीजें। तो पहले तो ये याद रखो, देखो फर्स्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये वाली तो बड़ी आसान सी चीज है, तो इसको डायरेक्टली मेरे साथ लिखते जाओ। एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स, तो के अपेरेंटली कॉन्स्टेंट है ना, तो एनी कॉन्स्टेंट कैन बी शिफ्टेड आउटसाइड द लिमिट, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, चलेगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू, टू एक्स हो तो उसको तुम टू बाहर निकाल लो, बात समझ रहे हो, ऑब्वियसली बात है ना, कॉन्स्टेंट से क्या फर्क पड़ेगा लिमिट पे, अंदर वाले जो फंक्शन है उसकी लिमिट निकालो ना, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट है ये मेरे साथ लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट पे लिमिट लगी हुई है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, कॉन्स्टेंट पे तो लिमिट होते ही नहीं है कुछ, कॉन्स्टेंट पे क्या लिमिट लगाओगे, तो इसकी लिमिट प्लस के, ओके। नेक्स्ट ये चारों पहले एक साथ लिख देता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, प्लस और माइनस इज एज गुड एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, है ना, लिमिट को तुमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेपरेटली दोनों फंक्शंस में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, ओके। नेक्स्ट वाले में लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज एज गुड एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, ऑलराइट। एंड फोर्थ वाला, सॉरी इसका नेक्स्ट वाला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स रेज टू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स रेज टू जी एक्स इज ऑल्सो, इसमें भी क्या कर दो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स होल पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, बात समझे। तो ये सब पूरा अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ओनली जो 3, 4, 5, 6 लिखा है ना मैंने, तो इसमें बहुत अच्छे से मेरी बात सुन लेना पहले, बिल्कुल कर सकते हो ये, बट ओनली व्हेन बोथ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एंड एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली, दोनों के दोनों, ये तभी कर सकते हो जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स खुद और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स खुद दोनों के दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हो, तब बोलोगे कि LHL, LHS और RHS सेम है, बात समझ पा रहे हो, चारों में फाइनाइटली एग्जिस्ट, मतलब जैसे एग्जाम्पल लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाय, एक ऐसा क्वेश्चन दिया मैंने, तो ये जीरो बाय जीरो बन रहा है, yes, तो इसको स्प्लिट करना, गलत भी होगा और गड़बड़ भी होगा दोनों, मतलब बोथ द थिंग्स आर इनकरेक्ट, कोई पॉइंट भी नहीं होगा स्प्लिट करने से और गलत भी होगा, डोंट स्प्लिट, डू नॉट स्प्लिट, क्यों, क्योंकि अगर इस रूल के हिसाब से जाए तो स्प्लिट करने में गलती क्या हो रही है, जल्दी बताओ,
वन बाय एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है ये? हेलो, और ये भी क्या बन रहा है? तो आपने बस जीरो बाय जीरो को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनाया है, बात समझ रहे हो? तो देर इज नो पॉइंट इन स्प्लिटिंग दिस। तो तुम अगर स्प्लिट कर रहे हो, इफ यू आर स्प्लिटिंग दिस, देन मेक श्योर दोनों में जो स्प्लिट कर रहा है वो दोनों इंडिविजुअली और फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हो। एक भी अगर इनफाइनाइट हो रहा है तो स्प्लिटिंग वॉज रॉन्ग। क्या ये बात चलेगी सबको? बोलो, जस्ट को कॉपी करो, ये कॉपी करो, ये अपन क्वेश्चंस में काफी एक्सप्लोर करेंगे, बहुत एक्सप्लोर करेंगे, इसको छापो। यस, सब मेरा हो गया। हो गया छाप के? Yes, sir. चलो एक और नोट या फिर पॉइंट देखो, बड़ा सिंपल सा है। इफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब अगर कोई टर्म इनफाइनाइट हो रही है, इन शॉर्ट इफ सम टर्म इज बिकमिंग इनफाइनाइट, ठीक है, वी मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब ऐसा मैनिपुलेट करते हैं थोड़ा सा, मल्टीप्लाई डिवाइड टू क्रिएट अ टर्म ऑफ वन बाय एक्स। अगर कोई भी टर्म इनफाइनाइट हो रहा है तो तुम उसका रेसिप्रोकल लाने की कोशिश करते हो, चलेगा? सो दैट आप वन बाय एक्स को फ्रीली क्या रख सको, जीरो। ये टिप याद रहेगी, एग्जाम्पल भी कर लें। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू अपॉन फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन, ओके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है। तो पहले जैसे इन्फिनिटी दिखे ना, तो एक बार दिमाग में सोचना कि यार इनफाइनाइट हो रहा है और एक्स गिवन है, तो फिलहाल ये क्या बन रहा है, एक्स को लिटरली इन्फिनिटी रखोगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ? Yes, sir. तो इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए अपन ने अभी क्या टिप सीखा, कि यार ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, तो अगर एक्स इन्फाइनाइट है तो व्हाट डू वी डिवाइड, हां फैक्टराइज कर लेंगे।
फैक्टराइज नहीं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, मुझे बताओ किससे डिवाइड करूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कि हर जगह 1 बाय x से टर्म बन जाए, x ना बचे 1 बाय x बचे, बोलो। अगर x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 बाय x से टर्म बचेंगे कि नहीं बचेंगे, जल्दी बताओ। यस सर। तो कितने बचे हो समझ रहे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, आई कैन डिवाइड बाय x स्क्वायर क्योंकि x स्क्वायर दोनों में डिवाइड कर रहा हूं ना मैं, तो दिस इज फाइन, बोलो। अब बताओ, नाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस, अगर x इनफाइनाइट है तो 1 बाय x क्या होता है, जल्दी बोलो। जीरो। जीरो, तो अब समझ आ रहा है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो 1 बाय 4 हो जाएगा लिमिट। बस समझे, तो आंसर इज 1 बाय 4, समझा क्या? देख लो एक बार, नहीं समझा हो तो कि ठीक है। तो ये पॉइंट अभी टिप याद रखना, इस पे भी मैं एक दो क्वेश्चंस दूंगा, तो थोड़े से और क्वेश्चन कराता हूँ बिफोर वी स्टार्ट विद सम हार्डकोर मेथड्स ऑफ लिमिट्स, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। थोड़े से आज स्टार्ट, क्या हुआ क्या हुआ, आज स्टार्ट कर, मेरे को वॉइस क्रैक हो रहा है, वापस बोलो। ये सॉल्व करो जल्दी से, तो स्टार्टिंग है बहुत इजी इजी है, जल्दी जल्दी करते जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ, करो ट्राई जल्दी।
बोलो पहले का आंसर क्या है? वन एब्सोल्यूट वन रेस टू वेरी लार्ज नंबर, क्या फर्क पड़ता है, वन है ना। सेकंड का समझा? जीरो आएगा क्योंकि 0.67 उसकी पावर बढ़ाता जाऊंगा तो धीमे धीमे रिड्यूस होके कहां तक पहुंच जाएगा वो, जीरो। बस थर्ड वाला इनफाइनाइट, सम पीपल कॉल इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आई प्रिफर इनफाइनाइट इज द बेटर कमेंट। सम पीपल इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट भी, क्या हुआ क्या हुआ, बोलो बोलो। अरे फर्स्ट एब्सोल्यूट वन है ना, तो प्रॉपर वन रेस टू टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इट्स लाइक प्रॉपर वन रेस टू वेरी 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 लार्ज नंबर, वो वन ही होगा है ना। व्हाट इज इनडिटरमिनेट अबाउट दैट, नथिंग है ना। फोर्थ ट्राई करो जल्दी, बहुत आसान है। ऐसा हम लोग डिवाइड बाय एक्स कर लेंगे तो 3/2 आ जाएगा। हाँ समझा कि अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो इनफाइनाइट बन रहा है तो यू प्रिफर 1/x, तो 1/x के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड बाय x, डिवाइड बोथ 7/x एंड -3/x 0 हो जाएंगे, तो 7/x और 3/x दोनों इंडिविजुअली 0 हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ रहा है 3/2। ऐसे करते जाओ जल्दी। करते जाओ नेक्स्ट बोलो, फिफ्थ वाला आ गया। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है तो क्या करोगे बताओ सर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स कर देंगे या फिर हाँ वही एक्स कॉमन निकाल लो दोनों जगह से, बोलो। यस सर वही है ना, मतलब दोनों जगह से, न्यूमरेटर में तो खाली एक्स ही है, न्यूमरेटर से एक्स कॉमन निकालोगे तो समझ आ रहा है ये दोनों तो हमेशा कैंसिल करेंगे। yes, और बाकी बचा हुआ वैल्यू क्या अप्रोच कर रहा होगा, जीरो नहीं, जीरो नहीं, बाकी बचा हुआ वैल्यू रूट फोर, मतलब 1/x। हाँ 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 समझा। नेक्स्ट ट्राई करो। yes, इसमें 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हाँ बहुत आसान है, करते जाओ। इसमें ऐसा डिवाइड करो कि कुछ जीरो या फिर कुछ फाइनाइट आ जाए, तो ऐसे टर्म से डिवाइड करना है, तो यू डिसाइड विच टर्म से डिवाइड करना रहेगा। 2/x से डिवाइड करोगे तो कोई मतलब निकलेगा क्या,
क्योंकि एक इनफाइनाइट हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी हो जाएगा. तो बेस्ट है 3x से डिवाइड करो. तो 3x से डिवाइड करोगे तो क्या बन रहा है बोलो. तो अब क्या कमेंट कर सकता हूँ? 2/3x एंड 1/3x को जीरो ले लेंगे. वेरी गुड. ये दोनों क्या हो गए इंडिविजुअली? जीरो. तो आंसर क्या है? 1/-1 -1 है ना. सो 1/1 रहेगा ना. अच्छा सॉरी 1/1 है, माइनस वन के लिए. सॉरी सर. यस नेक्स्ट ट्राई करो. 7 थ्री बाहर निकल जाएगा तो वो 3/x हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा. और क्यों सर 3 एक इंटीजर है ना तो इंटीजर को बाहर बाहर निकलना चाहिए. बट उसके बाद जो बोले वो नहीं समझा. लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफिनिटी 3/x को ले लेंगे ना. तो 3/x 0 बन जाएगा. तो चलो 3/x वाला पार्ट 0 रख दिया तो इसका आंसर क्या बन जाएगा सर? अभी 2x को 2y+2f ले लेंगे. करो आंसर बताओ. यस सर सेम मुझे आंसर फाइनल आंसर 2 आया. फाइनल आंसर 2 आया. चलो ठीक है. तो वैसे x को i+f से बेटर है ना. किसी भी नंबर के बॉक्स को क्या लिख सकते हो? एक इंटीजर. ना 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 ये लिख सकते हो. हाँ यस सर है ना. अब देखो ये इसलिए करा है क्योंकि इनफाइनाइट है ना. तो 2x/x तो 2 हो गया माइनस 2x का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/x ये बन रहा है ना. जल्दी बताओ. yes, और ये अपन खुशी खुशी एकदम सुखी से इसको क्या रख सकते हैं? जीरो. क्यों? क्योंकि भले जीरो टू वन के रेंज. हाँ. क्योंकि x कितना भी बड़ा नंबर हो न्यूमरेटर इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज बोलो 0 और 1 के बीच में होता है. ये नंबर जो भी होगा 0 और 1 के बीच में होगा. तो 0 से 1 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट. एक फ्रैक्शन अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? 0. तो आंसर इज 2. ठीक है चलेगा. नेक्स्ट ट्राई करो 8 वाला. 8th सम क्या है? 1/n² + 2/n² + 3/n² ... n/n² सर आपने 3 कैसे हटाया? 3 तो वो 3/x करके दिस प्लस दिस ऐसे समझ रहे हो ना. दिस अपॉन एक्स प्लस 3/x तो 3/x दिस हो जाएगा. सबका कॉमन डिनोमिनेटर है वो 1+2+3 डॉट 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 एन एन इनटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा. हाँ आगे इससे फाइनल आंसर 1/2 आया. लेट्स सी बाकी बच्चे भी कर लो जल्दी से. समझ गया क्या? बहुत आसान ही है ना कि यार ये तो असर आप ऐसे बनाना चाह रहे हो जबरदस्ती. बेसिकली दिस है ना. और न्यूमरेटर क्या बन रहा है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. बोलो. nn कैंसिल्ड एंड 1/2 एक nn कैंसिल और दूसरा वाला n का भी क्या करूंगा अंदर ट्रांसफर कर दो है ना. n प्लस 1/n बेसिकली है. तो क्या बन रहा है वो समझा? नेक्स्ट भी जल्दी करके बताओ. बहुत आसान आसान सी चीजें.
नेक्स्ट हो गया यस सर, वन है ना, सेम ही है उसका आएगा शायद 1/3 यस सर अप टू एन स्क्वायर बाय एन क्यूब, तो ये बन रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर, स्क्वायर का सम, सो एन इनटू एन प्लस वन, एन इनटू एन प्लस वन इनटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स एन स्क्वायर, सिक्स करेक्ट। तो पहले तो एक एन एन कैंसिल हो जाएगा, पूरा एडजस्ट करके लिख देता हूँ यार, तो 1/6 टाइम एक एन एन कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ एन स्क्वायर जो है एक इसमें ट्रांसफर कर दो और एक इसमें ट्रांसफर कर दो, है ना। Yes, तो 1/n के टर्म्स डिलीट हो गए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो बेसिकली 1/3। नेक्स्ट ट्राई करो। सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों सर? क्योंकि 1/x इनफिनिट हो जाएगा एंड इनफिनिट मतलब कोई भी वैल्यू रह सकता है। हाँ, -1 to 1 तो ऑब्वियसली इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, बट द इंपॉर्टेंट कमेंट इज मुझे नहीं पता साइन ऑफ इनफाइनाइट क्या होता है, बट आई नो फॉर श्योर इसको डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं और इसका एक्चुअली नाम होता है ऑसिलेटरी लिमिट। मतलब मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, बट इतना पक्का है ये जो भी वैल्यू होगी, सिंस आई कैन नॉट पिन पॉइंट टेल की क्या आंसर आ रहा है, तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है, बट तुम्हें समझ रहा है कि ये लिमिट -1 और 1 के बीच में आ रही होगी, है ना। तो इसके हिसाब से फिर 11th का आंसर बताओ, एक्स साइन 1/x, अब सर ऊपर आपने एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी लिया मतलब जब पहले क्वेश्चन दिया था, नहीं 11th में मैंने एक्सटेंडिंग टू 0 दिया हुआ है, 12th में एक्सटेंडिंग, अच्छा वो 12th है, सॉरी। बोलो इसका भी हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, कर सकते हैं सर, वो जीरो इनटू ऑसिलेटरी में आपने मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन में बोला था कि दोनों का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, हां मतलब तो कर तो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट फाइनाइटली, अरे मतलब अब बात वो हो रही है कि फिलहाल तो एक्स को लिटरली जीरो रख, तो ये अप्रोच किसको कर रहा है यार, अप्रोच की बात कर रहा हूं, तो ये तो जीरो हो रहा है और मुझे पता है ये डज नॉट एग्जिस्ट है, बट ये ऑसिलेटरी है, yes, समझ रहे हो? मतलब अच्छा ठीक है मैं समझा तू क्या बोलना चाह रहा है, बट इस वाले के लिए वो द थिंग इज बोथ ऑफ देम इंडिविजुअली एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ऑसिलेटरी चल जाएगा, चलेगा, बेटर ये क्लियर हो गया एस से, ऑसिलेटरी मतलब बेसिकली तो ये सोचने कि प्रोडक्ट किसको टेंड कर रहा है, हां यस सर गॉट, प्रोडक्ट इज टेंडिंग टू ये जीरो होता जा रहा है, ये ऑसिलेटरी होता जा रहा है, बट जीरो इनटू ऑसिलेटरी जीरो को टेंड करेगा, ओके तो आंसर इसका जीरो ही है, यस सर, ओके। और 12th वाला हम 12th का जीरो रहेगा, जीरो ऑसिलेटरी बाय जीरो, ऑसिलेटरी बाय इंफिनिटी, ऑसिलेटरी बाय इंफिनिटी, तो ऑसिलेटरी बाय इनफिनिटी तो पक्का जीरो होगा, है ना, यस सर। चलो तो एक काम करते हैं, आज के लिए काफी है, अब मैं वैसे भी कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो आज लिमिट के इंट्रोडक्शन के नाम पे ये ठीक है ना, तो बचे हुए पहले ये इन्वेस्टिगो के क्वेश्चन ट्राई कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स अपना मेन चालू होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर अगर और अटेंड कर लोगे तो तुम्हारे स्कूल वाला कंप्लीट हो जाएगा, ओके ठीक है बच्चों, यस सर, तो नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स अपना मेन चालू होगा, तो चलो बाय बाय, मैं PDF और रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ अपने ग्रुप पे, ठीक है।